सो हेलो एवरीवन, मैं शानवी पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा, आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा टियागो की होने वाली एक बहुत ही बेहद गंभीर घटना के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टाटा टियागो के एक ओनर ने अपने साथ हुई अपने पे बीती एक गंभीर घटना को साझा किया है। तो आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है, क्या है पूरी सच्चाई, क्या हुआ था उस दिन और क्या हुआ था टाटा टियागो में बैठे लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक्स हमारे चैनल पर आती हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। बात करें टाटा टियागो की, तो ग्लोबली तौर पर अगर इसका सुरक्षा रेटिंग की बात करें तो टाटा टियागो को काफ़ी ज़्यादा हाई रेटिंग के साथ सुरक्षित कार माना गया है। यहाँ पर बात करें टाटा टियागो की, तो उसकी गुणवत्ता की बात अगर आप सभी अब जानते हैं तो उसे काफ़ी ए लेवल की मानी जाती है। अभी बात करें सत्या प्रकाश रेड्डी की, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक अपनी घटना को सामने किया है जिसमें वो टाटा टियागो में मौजूद थे जब उनकी एक गंभीर घटना से रूबरू हुए। जैसे दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो पिछले साल अक्टूबर में ही कार खरीदे थे। अभी हाल ही में सत्या अपने दो दोस्तों के साथ अहमदाबाद से हैदराबाद के लिए जा रहे थे। कार के मालिक का कहना है कि यह उन्हीं की गलती थी, वह खुद सड़क पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आगे एक बड़ा गड्ढा था और इससे बचने के लिए उन्होंने तेज स्टीयरिंग घुमाया। होना क्या था, कार उस टाइम पे 100 किलोमीटर प्रति आवर की घटना की स्पीड पे थी, जिस पर उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया। उसके बाद वाहन से नियंत्रण खोने के बाद कार सड़क से दूर चली गई और ऐसा कि आपको दिख रहा है इसने 4 रोल ओवर बनाए, जो काफ़ी चरम पर है। इसमें मौजूद सत्या का कहना है कि जब स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए आए तो वो बेहोश थे। उनके दाहिने हाथ पर भी कुछ मांस के घाव थे। वो सोचता है कि उसका हाथ छत और दरवाजे के बीच फंस गया है। उनके दो दोस्तों को किसी भी तरह की चोट नहीं आई और उन्हें केवल कुछ खरोचे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी घटना सत्या के द्वारा बीती हुई। टाटा टियागो ने उनको और उनके दो दोस्तों को कितनी बखूबी तरीके से बचाई, ये सब आपने अच्छे से देखा। और ये हम किसी और का नहीं, खुद मालिक का कहना है जो इस घटना के शिकार हुए थे। तो दोस्तों, टाटा टियागो की सेफ्टी की बात करें तो वो ए लेवल पर है। उसकी सेफ्टी, उसकी गुणवत्ता की कोई मतलब जवाब नहीं है। और बात करें सत्या की, तो उन्होंने टाटा टियागो से इतना ज़्यादा वो खुश और इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुए कि उन्होंने दूसरी नई टाटा टियागो कार ही खरीदी। और उनका एक भी स्टेटमेंट था कि शायद अगर इसके जगह कोई और कार होती तो शायद वो बच नहीं पाते, क्योंकि जैसा आपने देखा टाटा टियागो का क्या हाल हुआ था। लेकिन इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी ना ही सत्या और ना ही उस उनके जो बाकी के जो दोस्त उस समय कार में मौजूद थे उनको कुछ हुआ। सत्या को हल्की फुल्की खरोच आई क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे थे, और बाकी उनके जो दोस्त हैं उन्हें वो भी नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी टाटा टियागो की सेफ्टी को लेकर एक छोटा सा वीडियो मेरे तरफ से। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।